subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मालवाड़ी में लगता है बीएमसी फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही। पट्टा रोड पर एक 3 मंजिला मकान जर्जर हालत में है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीएमसी को कंप्लेन की गई, मकान के ओनर को भी बोला गया, मगर कोई सुनवाई नहीं। आसपास में रहने वाले डर के साए में जी रहे हैं। मलाड़ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को इस पर वक्त रहते ध्यान देना चाहिए। हमारी टीम ने मौके पर जाकर लोगों से बात की। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। लेकिन न्यूज 13 की टीम जब आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ये खत्म होना चाहिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और देखिए ये लोग भी बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये घर जो है इसको कैसे भी करके खत्म करना चाहिए। हाँ, हमको इस वजह से खतरा है। खतरा है? क्या खतरा है? गिर जाएगा वहाँ से हमारे। गिर जाएगा तो फिर ज्यादा नुकसान होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई छोटे छोटे बच्चे, हम लोग को सिर्फ बहुत प्रॉब्लम है। अगर कहीं रात में गिर गया तो कहीं पे ये गिरेगा, क्या पता है किस जगह गिरेगा। बच्चे हैं, प्लीज बीएमसी से हम लोग को यही प्रॉब्लम है कि इसको हटाए। अच्छा, आप क्या कहने चाहती हैं? हम भी वही करने जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम घर हम लोग का नजीक है। अभी कहीं रात में हो, कहीं हो, कभी गिर जाए उसका क्या भरोसा नहीं है। अच्छा। फिर हम रात में कहाँ जाए? अच्छा। जाए तो मर जाएंगे तो क्या करें हम लोग? अच्छा, आप जब सोती है तो आपको कहीं ना कहीं डर लगता है कि रात में कहीं सोते में मैं सुबह उठ पाई नहीं? सोते नहीं रात भर तो बच्चों को साथ में आपको पहला भी बीएमसी में डाले थे, आए थे, देख के चले गए। हम लोग ने कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहती है भाभी? मेरा भी यही रूम है, बाजू में। इसमें आपका क्या मतलब, आप सोती हैं रात भर कि आपको जाग के डर लगता रहता है गिर जाएगा भी तो क्या होगा? अच्छा। हाँ, सिर पे गिरेगा इंसान वहीं के वहीं सो जाएगा। सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, ऐसा ऐसा। अभी जो आप कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी, मेरी बहन की लड़की है, तो अभी ये तो रात भर सोते नहीं है। अभी कभी गिरेगा तो सीधा मर ही जाएगा, क्या बोलेंगे फिर सुबह उठ के? ये बोल रहे। आपका कहना है कि सुबह उनको नसीब होगी या नहीं होगी? हाँ, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आप लोगों का कहना है तो? एक डेढ़ साल पहला इधर सब हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं फिर। अच्छा, एक डेढ़ साल पहला हुआ है सर। अच्छा, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि एक डेढ़ साल पहले भी इन लोगों ने लेटर डाला था और कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ के ये लोग अपील कर रहे हैं यहाँ के MLA असलम शेख जी से, गोपाल शेट्टी जी से और नगर सेवक का अलमिलकर जी से कि मतलब इसका कोई अभियान। न्यूज 13 की टीम आई है कच्चे रोड पर और वार्ड 48 है ये। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप लोग, 5 नंबर 6 नंबर में भी एक हादसा हुआ था, घर गिरा था और 2 लोग की डेथ हो गई थी और कुछ लोग जख्मी हो गए थे। ऐसा भी यही सेम यहाँ पर भी एक हादसा होने वाला है, कुछ ही समय में ये हादसा हो सकता है। देखिए आप कैसे किस तरीके से दरार पड़ी हुई है, और कभी भी हादसा हो सकता है कि हम लोग शूट कर रहे हैं तो ये घर भी गिर सकता है। हम लोग और न्यूज 13 की टीम अपनी जान पर खेलकर ये बना रही है, ये शूट कर रही है। हो सकता है कि हम लोग शूट कर रहे हैं इस टाइम भी ये हादसा हो सकता है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये करीब से दिखाएं कि किस तरीके से ये दरार हो चुकी है पूरी, और यही दरार यहाँ से ऊपर गई है और ये तक ये दरार गई है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है यहाँ पर, और यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो सलीम अलमेलकर जी हैं, और MLA जो हैं वो अपना असलम शेख जी हैं, और MP जो हैं गोपाल शेट्टी जी हैं। तो मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि इस तरीके के जो घर है जो कि डैमेज हो चुके हैं, तो इनके लिए कुछ, और BMC से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे कुछ ये जो घर है उनका कुछ करा जाए। और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है बाद में, फिर 4-5 लाख रुपए देके कोई जान की कीमत नहीं हो सकती। आप लोग फिर बाद में चेक दे देते हैं, 4-5 लाख रुपए दे देते हैं और किसी की जान चली जाती है, और बहुत बड़ा नुकसान होता है और आसपास वालों का भी नुकसान होता है। काफ़ी लोगों की मतलब हत्या करने के बाद 5-6 लाख रुपये का एक पैकेज दे दिया जाता है, और वो मुआवजा के तौर पर एक मतलब जान की कीमत होती है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं घर के लोग हैं जो घर में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, ये आपका जो घर डैमेज हो रहा है तो आप कैसे रह रहे हैं, अपनी जान पे खेल के किस तरीके से रह रहे हैं? आपको तो कुछ भी हो सकता है। बाजी लगा के हम लोग इसके ऊपर है। पहले हम हैदराबाद चले गए थे, गांव में बेटे की लड़के की शादी थी तो वहाँ पे चले गए। जब तक आए तब तक इन्होंने पूरा हमारा घर का पतरा तोड़ गिर के ये तैयार करे। अच्छा,
और बराबर में भी एक दो तीन माला जो है वो भी गिर सकता है। अगर वो गिरा तो आपका घर ऑलरेडी वैसे भी गिर रहा है और वो भी घर गिर सकता है। वो किसका घर आती है, हम लोगों को रात घर जाग जाग के निकालते हैं हम लोग। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये घर मैंने देखा तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है यहाँ पर आके कि कहीं हम लोग शूट कर रहे हैं और ये घर गिर गया तो हम लोगों का भी जान जा सकती है। क्या करें अभी मजबूरी से दिन भर ये बाहर बैठे रहते हैं। एक तो ऑपरेशन हुआ है, मेरा हालत बुरी है, क्या करेंगे। अल्लाह का नाम लेके रह रहे हैं और ये बाजू वाला घर वाला नूर नाम है उनका। अच्छा, वो आया था मेरे को, क्या बोला उसने कि बोले मैं आ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में पता ही नहीं। अच्छा, मैंने सुना है नूर की जो वाइफ है वो शूटिंग में काम करती है। हाँ जी, वो कौन सी शूटिंग में काम करती है बताएंगे कुछ, कौन से सीरियल में? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी घर पर है, उसमें शूटिंग में काम करती है। वो किस रोल, कौन सा रोल प्ले करती है? वो माँ का रोल प्ले करती है। अच्छा, वो फोटो भी है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। अच्छा, माँ का रोल करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो याद रहते नहीं जाते करते, वो गोरेगांव साइड पर कहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको 4-5 साल से मैंने कहा है कि आप ये घर का कुछ करो, तो वो सिर्फ बातों को टालते थे, वो आते नहीं थे। तो ये अभी इस चीज़ पर पहुँचा है कि एकदम गिरने की हालत पे है। तो माँ है, बहन है, बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हमको सिर्फ ये रोकना है, कुछ करना नहीं, इसके बारे में उससे बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरे दो बच्चे, मेरी माँ, मेरे भाई, ये बराबर में जो घर है तीन माले का, वो घर जो है इनका है, ये जो है ये ये है नूर, और नूर की ये वाइफ है जो भाभी जी घर पे हैं, उसमें ये माँ का रोल प्ले करती हैं। उनके बराबर में इनका घर है तीन माले का, जो कि वो भी ऑलरेडी डैमेज है, हम वो भी दिखकर आपको दिखाएंगे। और यही है जो जिनका वो घर है बराबर में तीन माले का, और वो भी घर डैमेज है। वो घर अगर इस पर घर गिरा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी भी वो घर गिर सकता है। हम लोग शूट कर रहे हैं, हमें भी डर लगा हुआ है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं इस वक्त हम लोग, बहुत ही अपनी जान पे, न्यूज 13 की टीम अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रही है, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ, मेरी माँ है, एक भाई है, भाभी है, दो मेरे बच्चे हैं, एक इंदर बेटी है, भाई बहुत भूत होते हैं, उनको रात भर नींद नहीं आती है। तो घर देख देख के हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डर हो गया। तो हम लोग एक साल पहले डाले थे एक केस, मगर वो क्या आता ही नहीं है, कुछ रिस्क ले रहा नहीं है। अच्छा, तो हम ये घर के लिए बहुत खतरा है। अच्छा, आप आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन शेख है। हाँ, और ये मेरी सास है, मेरी ननन है और मेरे शौहर है। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे रहते, मतलब हम लोग गए साल में भी हम लोग ने अपना बीएमसी को हम लोग ने लेटर डाला था। हाँ, तो कुछ रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, आपने बीएमसी को लेटर डाला था, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया? रिस्पांस हमको नहीं। अच्छा, यहाँ के एमएलए, स्थानीय एमएलए के पास गए थे? नहीं, एमएलए से तो नहीं गया, हम नगर सेविका से, पर हमको बताया गया। मतलब अलमेरकर के पास गए थे आप? नहीं, वहाँ पर नहीं गए थे, उनके जो थे खास थे उनसे हमने बताए थे। अभी हमसे सबसे रिक्वेस्ट है, नगर सेविका से भी रिक्वेस्ट है और एमएलए से भी रिक्वेस्ट है, उस गोपाल सेट्टी उनसे भी रिक्वेस्ट है। प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी में भी एक ऐसी मेरी सास की उम्र की एज की थी, वो सदमे में, जैसे उनको लगा कि कभी भी घर गिर सकता है। उनके लड़का और उनकी बहू कहीं हॉस्पिटल गए हुए थे, सुबह में रात में सोए और सुबह में उठ ही नहीं पाए, वो डर के मारे उनकी मतलब डेथ हो गई है। मतलब वो दहशत की वजह से, दहशत की वजह से वो हो गया। ये अभी 6-7 महीने की पुरानी बात है। अब हमको टेंशन है कि देखो पैसा मिलेगा, पैसे का हमको कोई, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे फैमिली की जान चाहिए। जैसे सबकी फैमिली जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारी भी फैमिली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम ज़्यादा हम इसके लिए रिस्क ले रहे हैं कि हमारी सास बहुत टेंशन ले रहे हैं, नीचे गिर कर उनका मतलब ऑपरेशन भी हुआ है, उनका पैर में हड्डी वगैरह लग, वो हड्डी टूट गया था, तो चल भी नहीं पाते, वो फिर भी वो खड़े नहीं रह पाते, डर के मारे वो बाहर ही, दिन भर वो बाहर ही रहते, वो रात में 1-2 बजे आके वो सोते, फिर भी वो सो नहीं पाते। तो हमको रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तो इसका कुछ आप कार्रवाई कीजिए। अच्छा, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब इनके एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट है, एमपी गोपाल शेट्टी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सलमा सलीम अलमेरकर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ की बीएमसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब इसका कुछ करें, क्योंकि घर गिर सकता है। हम लोग भी देख रहे हैं, घर कभी भी गिर सकता है, शूट कर रहे हैं, इस वक्त भी गिर सकता है, रात में भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे भाभी हैं और ये माँ जी हैं, ये भाई रहते हैं, ये भाभी रहती हैं, ये लोग रहते हैं, और बराबर में जो तीन माला है वो अगर इस पर गिरा तो ये ऑलरेडी 2-3 घर गिर सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बाद में हादसे के बाद आपको पता ही है, एक फॉर्मेलिटी अदा करी जाती है, कोई 5-10 लाख का चेक दे दिया जाता है, लेकिन जान की कीमत 5-10 लाख नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड करें और न्यूज़ 13 का साथ दें,
और इन लोगों के साथ ये लोग बहुत परेशान है, रात रात भर जाग रहे हैं कि घर कभी भी गिर सकता है। और एक चीज, इनको रॉड लगा हुआ है इधर, और पैर भी इनका काफी मोटा है, आप देख सकते हो। जी जी, ये शुगर के भी है, ऑपरेशन हुआ इनका, रॉड लगा हुआ है और हड्डी पूरा पैर का पूरा पिक्चर हो चुका है। तो इनसे हमको यही चीज का डर है बस, ये अच्छे से रहे, कुछ ना हो, जान को नुकसान ना हो। अच्छा, ये लोग बहुत डरे हुए हैं और अपनी जान की परवाह हर किसी को होती है और जान की कीमत जरूरी है, क्योंकि एक बार जान चली गई तो वापस नहीं आती। पैसा वापस आ सकता है, हर चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन जान चली गई तो वापस नहीं आ सकती। तो न्यूज़ 13 भी सबसे अपील करता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। और मैं काशिफ जदी, कैमरामैन आज़मी के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 13।